वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शार्प शूटर योगेश के पुलिस हिरासत में बयान आने के बाद SSP ने 3 पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। इसमें एक दारोगा और 2 सिपाहियों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि दिल्ली के जिम संचालक नादिर शाह की मौत के मामले में शूटर योगेश कुमार को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ सामने आया था। घटना को अंजाम देने में वंचित शूटर बदायूं के राज चौक बहरामपुर निवासी योगेश उर्फ राजू को दिल्ली पुलिस और रिफाइनरी पुलिस ने गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में योगेश के पैर में गोली लग गई थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद योगेश को पुलिस हिरासत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में थाना रिफाइनरी और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक शार्प शूटर जिसका नाम योगेश है, जो जनपद बदायूं का रहने वाला है और इसके लिंकेजेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताए जा रहे हैं, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये अपराधी दिल्ली से हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। पुलिस हिरासत में उसने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर कई बड़े खुलासे कर दिए और इस समय पुलिस वाले ऐसा करते हुए खड़े रहे और उसे देखते रहे। वहीं जिला अस्पताल के बाहर शूटर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच आ रहा नेता बाबा सिद्दीकी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो कोई भला आदमी नहीं था। उस पर तो खुद वहां मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून में मामला दर्ज था। आम आदमी पर तो मकोका मामला दर्ज नहीं होता है, बल्कि उसके बारे में तो यह कहा जाता है कि वो दाऊद का आदमी था। जब कुछ लोग ऐसे किसी के बीच में आएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा ही। इस दौरान उसने बेफिक्र होकर धमकी तक दे डाली, जो बीच में आएगा उसके साथ कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं सोशल मीडिया में जब ये बयान वायरल हुआ, जिसके बाद SSP ने इस पूरे मामले पर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं योगेश की बात करें तो योगेश के खिलाफ साल 2017 में मारपीट व जान से मारने की धमकी व गाली गलौज का केस बदायूं के सदर कोतवाली में लिखा गया था। हालांकि इस मामले में उसे क्लीन चिट मिल चुकी है, जबकि एक मुकदमा साल 2014 में हत्या का लिखा गया था, जिसमें योगेश का नाम काफी चर्चा में आया था। इसी मामले में वो जमानत पर चल रहा था। बता दें कि योगेश का घर बदायूं शहर के मोहल्ला कटरा ब्रह्मपुर में है। माँ बाप की मौत तकरीबन 8 से 10 साल पहले हो चुकी है। बदायूं में केवल उसकी छोटी बहन रहती है, जो अब अपनी मौसी के यहाँ है। योगेश के खिलाफ पुराने आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उसके पिता राम बाबू उर्फ बुड्ढा थे, चाचा जयगोपाल बांट माप विभाग में काम करते थे, जो बरेली के भोजीपुरा इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में छोटा भाई मोहित उर्फ चिरकी के अलावा एक बहन आंचल व पलक है। चिरकी फरीदाबाद में रहकर नौकरी करता है, जबकि आंचल की शादी हो चुकी है। वो कासगंज के सोरो स्थित अपनी ससुराल में रहती है। आपको बता दें कि मुंबई शहर में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई जांच एजेंसियां अलग अलग इलाकों में लॉरेंस गैंग के शूटरों की तलाश कर रही हैं। इसी कड़ी में योगेश को पुलिस ने मथुरा में धर दबोचा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।